हूँ शालिनी हुबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। आज मैं आप लोगों को 8th स्टैंडर्ड का जो आप लोगों का हिंदी सुलभ भारती का ये जो 6 कविता थी अंधा युग, जिसे लिखा है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने, ये मैंने आप लोगों को सिखाया है बहुत ही डिटेल में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले ये अंधा युग का एक्सप्लेनेशन देखिएगा, फिर उसके बाद ही आज जो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स वो आप देखिएगा। ओके, तो अभी क्वेश्चन एंड आंसर्स में सबसे पहले है सूचना के अनुसार कृति करो। ठीक है, कृति करो में हम लोग जब एग्जाम में कृति करो करते हैं तो हमें ये वाली जो बॉक्स है वो हमें बनाने हैं कंपलसरी, वो भी पेन से बनाने हैं, पेंसिल से नहीं। तो वृद्ध ने इनका दायित्व लिया है। अभी वृद्ध ने एक्चुअली, ये मुझे लगता है कुछ तो इन लोग का प्रिंटिंग मिस्टेक होगा या फिर आप अपने प्लीज टीचर से पूछ लेना, क्योंकि ये इसके बारे में मैंने बहुत ढूंढा कि भाई वृद्ध तो एक शिकारी था, वो कैसे किसी का दायित्व ले सकता है। हाँ, प्रभु ने इनका दायित्व लिया था तो इसका आंसर है, और गाइड में भी मैंने देखा तो इन लोगों ने यही दिया है यहाँ पर, प्रभु ने इनका दायित्व लिया था। तो प्रभु ने इनका दायित्व लिया था में आता है युयुत्सु एंड अश्वत्थामा। आपने अगर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है कविता का तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो प्लीज एक्सप्लेनेशन देख लेना, बहुत इजी और आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो प्रभु ने इनका दायित्व लिया है तो युयुत्सु एंड अश्वत्थामा, और इसमें मैंने स्टोरी भी बताई है आपको महाभारत में क्या क्या हुआ था, और ये जो सीन बना था तो किस रिलेटेड वो सीन बना हुआ था वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, उसके बाद जो है ये 2, अंधे युग में प्रभु का एक अंश कौन सा था, प्रभु का एक अंश, अंधे युग में प्रभु का अंश निष्क्रिय एंड आत्मघाती। प्रोनाउंसिएशन देखना तुम लोग, निष्क्रिय एंड आत्मघाती। ओके, मैंने कविता सिखाया है तो मैंने आपको पूरा रीड भी करके बताया है। ठीक है, उसके बाद 2, संजाल पूर्ण करो अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति। अभी एज पर अश्वत्थामा जो नए व्यक्ति है, नए अर्थ के व्यक्ति कौन है। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम न्यू पीपल आर हु आर न्यू पीपल्स। ओके, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, ये देखो यहां पे अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति जो है वो है अनास्थामय। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, प्लीज आप लोग एक्सप्लेनेशन देखना। अनास्थामय, विकृत, अर्ध बर्बर, आत्मघाती। ठीक है, लिखते समय आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी 3 में उत्तर लिखो कहाँ है हमें। कविता में प्रयुक्त पात्र, पात्र का मतलब होता है कैरेक्टर्स, तो कविता में कौन से कैरेक्टर्स थे, तो 3 ही कैरेक्टर है कविता में, युयुत्सु, अश्वत्थामा एंड वृद्ध। ओके, तो 3 ही कैरेक्टर है उसमें, युयुत्सु, 2 अश्वत्थामा, 3 वृद्ध। वृद्ध मीन्स ओल्ड मैन। ओके, नेक्स्ट, में जो लेसन्स में आए हुए हैं ना मुहावरे, उनका अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा है, तो आप लोग कैसे करोगे ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ठीक है, तो 1, पारावार न रहना, यानी सीमा न रहना। सीमा न रहना का मतलब होता है कोई लिमिटेशंस ना रहना। ठीक है, तो भी वाक्य में प्रयोग इन्होंने कैसे किया है, 12वीं की परीक्षा में उन्नति लड़की का नाम है, अपने जिले में प्रथम आई तो उसके माता पिता की प्रसन्नता का पारावार न
रहा। ठीक है, ये इन लोगों ने दिया है, आप लोग अपने मर्जी से बना सकते हैं कि अपने बच्चों की सफलता देखकर माता पिता की खुशी का पारावार नहीं रहता। ऐसे भी तुम लोग देख सकते हैं, एक विद्यार्थी को सफल होता देखकर गुरु की खुशी का पारावार नहीं रहता, ये भी लिख सकते हैं, तुम लोग अपने मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि यही लिखो आप लोग। ठीक है, उसके बाद है दो सिर खपाना, यानी बहुत बुद्धि लगाना। अभी कोई भी क्वीज पजल तुम लोग बैठते हो सॉल्व करने के, तो सिर खपाते हो ना तुम्हारा उसके पीछे, तो दिमाग लगाना, बुद्धि लगाना। तो वाक्य में प्रयोग, घंटों सिर खपाने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकला। ओके, और आप लोग और भी अपने मर्जी से भी लिख सकते हो कि कोई भी एक पजल है उसको सॉल्व करने के लिए राम ने बहुत सिर खपाया। ऐसे गणित की परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए मैंने बहुत सिर खपाया, कुछ भी रिलेटेड टू सिर खपाया। ओके, उसके बाद है गर्व में चूर होना, यानी अभिमान, प्राउड, घमंड, घमंड करना। गर्व में चूर होना का मतलब होता है घमंड करना। तो वाक्य, व्यापार में थोड़ी सफलता क्या मिली, जयराज गर्व में चूर रहने लगा है, यानी सक्सेस हुआ तो इसके लिए उसको बहुत घमंड आ गया है, ऐसे बोलते हैं ना वो। या फिर राम का प्रथम नंबर आया तो वो गर्व से चूर रहने लगा है, ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही कुछ लिखो करके, है ना, पढ़ाई के रिलेटेड भी लिख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट है घोड़े बेचकर सोना, यानी निश्चिंत होकर सोना, रिलैक्स, घोड़े बेचकर सोना। अभी इन लोगों ने क्या दिया, अच्छा यही मैंने सोचा था, परीक्षा समाप्त होने पर अभिनव घोड़े बेचकर सो रहा है ना, ये तो इजी है एकदम से, है क्या नहीं। पांच, आंखों से ओझल होना, यानी गायब हो जाना। ओके, सांप हमारे देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया, यानी इतने स्पीड में गया कि वो गायब हो गया, फिर दिखाई नहीं हम लोग को कहाँ है करके। ठीक है, हाथ बटाना मीन्स सहायता करना, हेल्प करना, सहायता करना यानी हेल्प करना। ठीक है, हाथ बटाना। ओके, तो घर के कामों में बच्चों को माता पिता का हाथ बटाना चाहिए। ओके, है ना, ये तो सिंपल ही है। आपको अपने छोटे भाई की पढ़ाई में उसका हाथ बटाना चाहिए। ओके, माँ के काम में हर बच्चे को मम्मी का हाथ बटाना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं तुम लोग, एक बार मीनिंग पता होना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद है सेवन, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, यानी स्वयं अपना नुकसान करना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी खुद का ही लॉस करके लेना। ठीक है, वाक्य, 20 वर्ष पुरानी इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर रवि ने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपने भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है रंगे हाथ पकड़ना, मीन्स रेड हैंडेड, किसी को कॉट करते हैं, पकड़ते हैं, वो अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना, यानी कोई कुछ गलत काम कर रहा है या चोरी कर रहा है तो उसको आंखों से देख लेना, उसे कहते हैं रंगे हाथ पकड़ना। तो शिक्षक ने स्वप्निल को परीक्षा में नकल करते रंगे हाथों पकड़ लिया, वो कॉपी कर रहा था एग्जाम में तो उसको रेड हैंडेड पकड़ लिया। चोर चोरी कर रहा था और पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, सिंपल। ठीक है, इस तरह से और भी कई, और मैंने है ना आप लोगों को मुहावरे और उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे ग्रामर देखोगे तो आप लोगों को सारे मुहावरे उनके अर्थ और उनके वाक्य में प्रयोग आपको मिलेंगे। हाँ यस, मिल जाएंगे आप लोग को, प्लेलिस्ट में जाके सर्च करो आप लोग। के बाद आप लोगों के सिलेबस में का ये जो उपयोजित लेखन है
मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, अगले साल भी आप लोगों को बहुत काम में आएंगे। वेकेशंस में आप लोग 9th स्टैंडर्ड के हिंदी एंड मराठी के सारे लेसन देख लेना, मैंने रीड भी किए हैं लेसन, आपको एक्सप्लेन भी किए हुए है। ओके तो निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दो। तो यहाँ पर तुम लोगों को कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स यू हैव टू राइट अ स्टोरी विद योर ओन। ओके, आपके आइडिया से आपको कहानी तैयार करनी है। एक गांव था, दर्जी की दुकान, फिर प्रतिदिन हाथी का दुकान से होकर नदी पर नहाने जाना, एक हाथी उसी दुकान से होकर हर रोज नहाने के लिए जाता था, दर्जी का हाथी को केला खिलाना, और हर रोज जो दर्जी था, दर्जी मीन्स टेलर, ओके, तो वो उसको एक केला देता था हर रोज, उन लोग का रोज का वो रूटीन था। एक दिन दर्जी को मजाक सूझना, एक दिन दर्जी को मजाक आया, उसे बोला चल अभी इसके साथ क्या करते हैं, मजाक करते हैं। दर्जी द्वारा हाथी को सुई चुभाना, अभी उसने क्या किया, जब उसने बनाना लेने के लिए, केला लेने के लिए जब उसने सोंड आगे बढ़ाया तो उसने क्या किया, उसकी जो उसका जो ट्रंक था उसको उसने सुई चुभो दी। ओके, परिणाम और शीर्षक, तो हाथी ने फिर क्या किया होगा, ये हम लोगों को इमेजिन करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं भाई हाथी ने क्या किया, ये कहानी भी बताती हूँ मैं आप लोगों को और इसका सार भी बताती हूँ। और कभी भी कहानी लेखन जब आप लोग करते हैं तो आप लोगों को कहानी को नाम देना ही है, ओके, और मोरल भी लिखोगे तो बहुत अच्छा है, इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, ठीक है। तो अभी चलो भाई कहानी देखते हैं हम लोग। एक दर्जी था, वह दयालु था, बहुत काइंड था, वो सबके साथ प्रेम से रहता था, बहुत प्यार से रहता था। बाजार में उसकी एक अच्छी सी दुकान थी, आसपास सब उसके मित्र थे, जो भी नेबरिंग थे उसके शॉप वाले वो सारे उसके दोस्त थे। दर्जी की दुकान से कुछ दूर एक नदी बहती थी, एक हाथी रोज दुकान के सामने से नदी पर नहाने जाता था। हाथी यानी पता है ना, एलिफेंट। एक दिन दर्जी ने हाथी को एक केला दिया, बनाना दिया उसने, हाथी बहुत खुश हुआ, हाथी बहुत हैप्पी हो गया क्योंकि केला उसे बहुत पसंद था। अगले दिन दर्जी ने उसे गन्ना दिया, ओके, नेक्स्ट डे उसने गन्ना दिया। उस दिन से हाथी रोज दर्जी की दुकान के सामने रुकता और खिड़की में से अपनी सूंड बढ़ाता। फिर उसको क्या हो गया, अभी मैं रोज ये मुझे कुछ ना कुछ खिलाता है, तो हर रोज उसके दुकान में जाने लगा और उसकी खिड़की में से वो सूंड बढ़ाने लगा कि आज क्या दे रहा है मुझे खाने के लिए करके। दर्जी उसे कभी केला और कभी गन्ना देता, काफी समय तक इसी तरह चलता रहा, बहुत दिन ऐसे ही चलता रहा। हाथी और दर्जी एक दूसरे के मित्र बन गए, अभी अच्छे दोस्त हो गए वो लोग। एक दिन हाथी दुकान के सामने आया तो दर्जी को मजाक सूझा, तो उसने बोला चल अभी थोड़ा फन करते हैं। हाथी ने रोज की तरह अपनी सूंड बढ़ाई, सूंड यानी ट्रंक, तो दर्जी ने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी, तो उसने क्या किया, उसके ट्रंक में जो निडल होता है उसे उसने चुभा दिया। हाथी को बहुत गुस्सा आया, बहुत एंग्री हो गया हाथी, वह चुपचाप नदी की ओर चला गया। अभी उसने क्या किया, बेचारा चुपचाप नहाने के लिए वो चला गया नदी की ओर, पर नदी से नहाकर लौटते समय वह अपनी सूंड में बहुत सारा गंदा पानी भर लाया। जब वह नदी से नहा के आया तो उसका जो ट्रंक था उसमें उसने क्या किया, पूरा कीचड़ वाला जो पानी था ना वो उसने भर लिया। हाथी ने सूंड में भरा सारा पानी दर्जी की दुकान में रखे कपड़ों पर उलेट दिया, और वो जो गंदा वाला पानी था उसने क्या किया, वो दर्जी यानी टेलर है ना, उसके पास तो कपड़े आते हैं सिलने के लिए, तो उसके जितने भी कपड़े थे उन सारे कपड़ों के ऊपर उसने वो जो गंदा वाला पानी था वो उसने उड़ा दिया, सारे नए कपड़े गंदे हो गए, तो डर्टी हो गए सारे कपड़े। दर्जी बहुत दुखी हुआ, बहुत सैड हो गया, साथ ही वह समझ भी गया कि हमें पशुओं को कभी भी सताना नहीं चाहिए। उसको रियलाइज हुआ कि हमें जानवर को कभी भी सताना नहीं चाहिए, ठीक है। तो शीर्षक दिया है इन लोगों ने दर्जी और हाथी, ओके, या हाथी का बदला लिख सकते हो,
दर्जी का मजाक पड़ा महंगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग अपने मर्जी से, ठीक है। और कहानी का एंड में अगर आपको कोई और ट्विस्ट करना है, आपको अलग कहीं कोई मोड़ देनी है कहानी को, तो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि यही कहानी आप लिखोगे एंड करने के लिए, ठीक है, गुड। यहाँ पर ये जो कल्पना पल्लव है, इसमें यहाँ पर दिया है मनुष्य का भविष्य उसके हाथों में है, अपने विचार लिखो। अभी मनुष्य का भविष्य यानी हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है, हमारा जो फ्यूचर है, भविष्य जो है वो अपने ही हाथों में है ना। आप लोग अच्छा मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं मेहनत करोगे तो फिर फेल हो जाओगे। सिंपल सी एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आप लोगों को। तो इसके ऊपर आप लोगों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए इन्होंने कहा हुआ है इस कल्पना पल्लव में। तो अभी यहाँ पर है आंसर, वही मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वरना आप लोग अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, ओके। तो सुख दुख, सफलता असफलता, उत्थान पतन, यह सब भाग्य के अधीन न होकर मनुष्य के अपने कामों का फल होते हैं। अभी सुख दुख, सफलता असफलता, सक्सेस एंड असक्सेस, ये जो है वो उत्थान पतन, उत्थान यानी प्रोग्रेस, पतन यानी लॉस हो जाना, ठीक है, यह सब भाग्य के अधीन न होकर। तो अभी हम लोग क्या बोलते हैं, अरे मेरा तो नसीब ही खराब है, मुझे मिला ही नहीं, मैं सक्सेस ही नहीं हुआ, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो ये हम लोग अगर बोलते हैं कि ये लक है यार, लक मांगता है उसके लिए, तू लकी है मैं लकी नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये बोल रहे हैं वो लोग, ठीक है। भाग्य के अधीन न होकर मनुष्य के अपने कामों का फल होते है, तो वो जितना मेहनत करेगा उसको उतना सक्सेस मिलेगा। अगर वो ऐसे लक के ऊपर छोड़ देगा तो लक कभी साथ नहीं देगा। लक भी किसका साथ देता है, जो मेहनत करते हैं उन लोगों का ही लक साथ देता है, भाग्य भी उनका ही साथ देता है, ठीक है। भाग्य मनुष्य के कर्मों के आधार पर बनता है। अभी भाग्य कैसे बना, आपके कर्म के ऊपर। कर्म ही नहीं करोगे तो सक्सेस कैसे मिलेगा, काम ही नहीं करोगे तो ये कैसे मिलेगा आपको, उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा, है ना। अतः मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अभी कुछ भी काम है, यू पीपल आर फ्री टू डू योर वर्क, है ना। इस प्रकार मनुष्य का भविष्य उसके अपने हाथों में है, तो अवर फ्यूचर इज इन अवर हैंड। यदि मनुष्य चाहता है कि उसके भाग्य में श्री समृद्धि वैभव ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं का समावेश हो, तो उसे निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। अगर अच्छा सक्सेसफुल लाइफ जीना है तो उसे हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। मार्ग में जो भी बाधाएं अथवा कठिनाइयां आए, अभी कुछ भी काम करते हैं तो डिफिकल्टीज तो आती ही है ना। तो अगर ऐसी कोई डिफिकल्टीज भी आ जाए तो उनसे निराश हुए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो कभी भी हम लोगों को अपसेट नहीं होना है, ठीक है, डिप्रेस नहीं होना है, हम लोगों को मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ईश्वर ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया है, इंसान को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बनाया है। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे सारे जानवरों से, अगर कंपैरिजन करेंगे ह्यूमन बीइंग का, तो सबसे इंटेलिजेंट, सबसे होशियार एंड सबसे ब्लेस्ड अगर कोई है इस अर्थ पे, तो वो है मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। वह चाहे तो उन्नति के शिखर तक पहुंच सकता है, आवश्यकता है केवल परिश्रम की। तो उन्नति मीन्स प्रोग्रेस, अगर उसने ठान लिया कि वो बहुत ही डेवलप करेगा, अपने आप को बहुत प्रोग्रेस करेगा, तो उसके लिए उसको एक ही काम करना है, वो है परिश्रम, मेहनत, ठीक है। घर पे तो बैठ के कोई लड्डू नहीं देगा ना तुम लोगों को, है क्या नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कहाँ हम लोग जंगल में घूमते थे, जानवरों को मार के खाते थे, आज इतना होशियार हो गया मनुष्य ने, कहाँ से कहाँ तक आ गए हम लोग। देखो मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गए, भी अर्थ के बाहर गए, स्पेस में गए, सैटेलाइट्स छोड़े, तो ये सब कैसे हुआ है, मेहनत किया है ना भाई इसके पीछे किसी ने, ऐसे तो जादू की छड़ी नहीं घूमी है ना। कितने लोग हैं, कितने लोगों की मेहनत है,
जिस कारण ये सारी फैसिलिटीज, किसान किसान की मेहनत, इसके लिए हम लोग को इतना अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है। तो परिश्रम, परिश्रम ही है जो हमें हर सक्सेस हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए काम में आता है। ठीक है, आगे ये जो स्वयं अध्ययन में कर्म ही पूजा है विषय पर अपने विचार 100 शब्दों में लिखो। कर्म ही पूजा है, अगेन काम ही पूजा है। ओके, तो वायु जल भोजन कपड़ा आदि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं है। प्रायोरिटीज ऑफ अवर लाइफ इज वायु, हवा, पानी, खाना एंड कपड़ा। भोजन मीन्स फूड, कपड़ा क्लोथ, ये जो हमारे है वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। ओके, वह इनके बिना जीवित नहीं रह सकता, हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते इसके बिना। परंतु इन सब के लिए श्रम की जरूरत है, तो अगर इसमें हम लोग को सब हमें पाना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। श्रम अर्थात कर्म, मेहनत ही क्या है, कर्म है, काम करना मेहनत करना एक ही है। कर्म से ही वह अपने दैनिक कार्यों का सुचारू रूप से संचालन कर सकता है। हर रोज काम करना ही पड़ता है ना, डेली रूटीन, दैनिक मीन्स एवरीडे लाइफ में इंसान को काम करना पड़ता है। अकर्मण्यता मनुष्य के प्राकृतिक गुणों के विपरीत है। अगर कोई ऐसे सोचता है कि मुझे कोई काम वाम करने की जरूरत नहीं है, तो नेचुरली अगर देखा जाए तो ये हमारी टेंडेंसी ही नहीं है कि हम काम ना करें। जो लोग कर्म पर आस्था रखते हैं वे उसे ही पूजा समझते हैं। ओके, कर्म यानी काम में जो आस्था रखते हैं कुछ करने में, वही लोग क्या होते हैं, उसे ही काम को ही वो लोग पूजा समझते हैं। ऐसे लोग विपरीत परिस्थितियों में भी निराश व हताश नहीं होते। कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना आ जाए लाइफ में, ये लोग कभी भी हार नहीं मानते, अपितु संघर्ष करते हुए समस्त बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। संघर्ष कर रहे हैं, फाइट करते हैं वो लोग, और कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना आए उसमें से वो पार हो जाते हैं। कर्म के द्वारा मनुष्य संपत्ति, यश, वैभव आदि सब कुछ पा सकता है। काम करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, काम नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, समाज में प्रतिष्ठित व उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को प्रायः हम भाग्यशाली की संज्ञा दिया करते हैं। अभी देखो, समाज में प्रतिष्ठित व उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को, अभी अपने सोसाइटी में ऐसे कितने तो लोग हैं जो सक्सेसफुल दिखते हैं ना हम लोगों को, है क्या नहीं। अभी जैसे समझो भाई, तुम लोगों का जो हीरो है, फेवरेट हीरो, शाहरुख खान, सलमान खान, तो सलमान खान का तो बैकग्राउंड था ही मूवीज वाला, लेकिन जो शाहरुख खान था वो दिल्ली से अकेला आया था बम्बई में काम करने के लिए। रास्ते पे रहता था, न्यूज़पेपर बिछा के सोता था, वड़ा पाव कोई खिला देवे तो थैंक यू ऐसा होता था उसको, गाड़ी के बाजू में खड़ा। इतना उस हार्ड लाइफ स्ट्रगल किया है, तब कहीं जाके वो फिर जो भी रोल मिला उसने वो किया। सबसे पहले उसका जो सीरियल था सर्कस, टीवी में आता था, हम लोग छोटे छोटे थे तभी बहुत, तो हम लोग देखते थे। एकदम सिंपल सीधा साधा लड़का, अच्छा था वो सीरियल भी, और बहुत उससे फेमस हो गए। फिर उसके बाद और एक सीरियल मिला था उनको, कुछ तो नाम है बाबा उस सीरियल का, ठीक है। फिर उसके बाद में उनको मूवीज़ मिलने लगे, जैसे भी रोल मिलते गए वो करते गए। फिर बाजीगर में उनको नेगेटिव रोल मिला उसका, तो बाजीगर से वो ज़रा हाईलाइट हो गया। फिर डर से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, ऐसे उनकी स्टोरी है ये, थोड़ी सी मैं आपको बता रही हूँ। और आज वो एक अच्छे टॉप के कलाकारों में उनकी गिनती होती है। तो ऐसे ही नहीं वो आए और सुपरस्टार बन गए, उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ा है उनको। जैसे अमिताभ बच्चन है, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल की है। तो अभी टाटा है, रतन टाटा, उनके भी पिताजी जो थे वो बहुत गरीब थे, वो भी अंबानी के पिताजी भी बहुत गरीब थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके आज वो लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो जो इंसान, हम लोग बोलते हैं कि अरे वो कितने लकी लोग हैं, अंबानी कितने लकी है, टाटा कितने लकी है, कितने पॉश में रहते, ऐसा नहीं है। हमारा लक जो है वो हमारे हाथ में है। तुम लोग भी करो ना, तुम लोग भी करोगे मेहनत तो तुम लोग भी पहुंचोगे उस मकाम पे। ऐसे अगर बोलोगे कि मेहनत बिना किए मुझे भाई अमिताभ बच्चन बना, मुझे शाहरुख खान बना, मुझे सलमान खान, कितना मेहनत करते हो लोग मालूम है तुम लोग को शूटिंग करने के लिए डे नाइट। तो ये मेहनत है, मेहनत से ही सक्सेस मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। आपको समझने के लिए मैंने आप लोग को ये एग्जांपल्स दिए, ठीक है, गुड।
तो कहाँ तक थे, परंतु यदि हम उनकी जीवन शैली का अध्ययन करें, यानी उसका हम उन लोगों का अगर हम लोग पास्ट देखें ना, अध्ययन करें उसके बारे में, स्टडीज करें, तो उन लोगों की भी ऑटोबायोग्राफीज होती है, अगर उनका हम लोग स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा, तो जानेंगे कि उनकी सफलता का राज उनका कर्म पथ पर निरंतर प्रयास करते रहना है। और ऐसा नहीं है ना कि अभी चलो अपने बाप दादा की कमाई बहुत है, हम लोग अभी आराम से बैठ के खा सकते हैं, ऐसा है क्या वो लोग, ऐसा करते हैं क्या वो लोग, नहीं, तो वो लोग और मेहनत करते हैं और अपनी बिजनेस जो है वो बढ़ा रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो ये भी सीखने जैसी बात है, पैसा है तो चलो आराम करो मजे करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। सारांश तो कर्म ही पूजा है, ओवरऑल कंक्लूजन इज दैट कर्म ही पूजा है, काम ही पूजा है, ओके। अभी एक और यहां पर दिया हुआ है कृति तीन में, निष्क्रियता मनुष्य की शत्रु है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है उसी क्वेश्चन पे, ठीक है। अभी ये जो मैं तीनों एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये तीनों मिला के भी अगर आप लोग आंसर लिखोगे तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। निष्क्रियता यानी कुछ काम न करना मनुष्य का शत्रु है, कोई क्रिया न करना, अपने विचार लिखो, निष्क्रियता मनुष्य की शत्रु है, यह एक ऐसा अवगुण है, एक बैड हैबिट है, जिसके कारण मनुष्य अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को नष्ट कर लेता है, अपना प्रेजेंट टेंस अपना फ्यूचर टेंस सब खत्म कर देगा वो, अगर निष्क्रिय रहा तो, कुछ काम किए बिना रहा तो। निष्क्रियता के कारण ही हम उन्नति के अवसरों को खो देते हैं, प्रोग्रेस के जो भी अपने चांस होते हैं वो हम लोग खो देते हैं। लोग अपनी असफलता के लिए अक्सर भाग्य या ग्रह दशा को दोष दिया करते हैं, कभी भी अनसक्सेसफुल, अरे मेरा नसीब ही खराब है, जैसे सेम अभी वो, तो दोष देते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि आगे बढ़ने का समय सभी के पास आता है। जो लोग अपने ज्ञान और विवेक के बल पर उस समय का लाभ उठा लेते हैं उनका जीवन बन जाता है। अभी देखो लक के ऊपर अगर तुम लोग छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं हासिल होगा तुम लोग को, है ना। जिन लोगों को अपने नॉलेज के ऊपर, अपने काम के ऊपर और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है टाइम यूटिलाइज करना। अगर टाइम को आपने यूटिलाइज किया तो सक्सेस होने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, ठीक है। सबको भगवान ने 24 घंटे ही दिए हैं, है ना, 24 घंटे दिए ना, एवरी डे 8 हफ्ते दिए हैं ना। जो सक्सेसफुल है उन लोगों को 15 हफ्ते और जो अनसक्सेस है उन लोगों को 4 हफ्ते ऐसे दिए हैं क्या भगवान ने, नहीं ना। तो टाइम कौन कैसे यूटिलाइज करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका सक्सेस, ठीक है। जीवन में निरंतर सक्रिय रहने से मनुष्य के तन और मन में स्फूर्ति बनी रहती है, सक्रिय यानी एक्टिव रहने से बहुत ही फ्रेश रहते हैं वो लोग, ठीक है, और एनर्जेटिक भी रहते हैं। अतः हमें चाहिए कि निष्क्रियता त्यागने में तनिक भी देरी न करें। अगर अभी भी आप लोग लेजी हो, कुछ भी काम करने से कंटाला करते हो तो उसको झटक दो, फेंक दो, डस्टबिन में डाल दो उसको, ठीक है, बाहर मत निकालना उसको, और एक्टिव रहो लाइफ में, ओके, तो ही सक्सेसफुल होगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है अपना कंप्लीट हो गया है लेसन, ठीक है। ये अपना बचा है मैंने समझा। अभी इसमें से हम लोगों को क्या मैसेज मिलता है कि हमारा कर्म ही है जो हमें या तो जीवन देगा या हमारा जीवन लेगा, तो मनुष्य का जो है अपना कर्म के ऊपर है। तो अभी मैंने समझा में जहां तक मुझे समझा है, मनुष्य का जीवन अब उसके हाथों में है, उसके हाथों में है, वो चाहे जीवन दे चाहे जीवन ले। तो इसमें सारे पॉइंट्स जो है हमारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आएंगे कमेंट्स में
टीचर ये रह ही गया करके, तो मैंने बोला चलो इसे भी मैं लिख देती हूँ। अभी देखो भाई पूरा हम लोग का क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ओके। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टैप कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उनका भी फायदा हो, ठीक है। तो चलो देन, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।